जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज हम लेके आ गए हैं CDS के जो सिलेबस में है GS वाला पोर्शन, और GS वाले पोर्शन में आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम कुछ ज्योग्राफी के लेक्चर्स के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और फिर पॉलिटी और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर्स और जनरल साइंस भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और इस हिसाब से हम जो भी पूरा सिलेबस है हम वो करेंगे प्रयास कि हम इसे अपने चैनल में डाल सकें। हालांकि अगर आपको और कोई अपडेट या और कोई अन्य सिलेबस के बारे में भी अगर आपको चाहते हैं कि वीडियो बने, तो आप उसकी जो जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का नया बैच, जो ज्योग्राफी को नए मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे। हालांकि आपने ज्योग्राफी जो है वो क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी ज्योग्राफी, तो हाँ क्लास 6 से मतलब बेसिक रूप से जो कि एक्चुअल में जो आपने ज्योग्राफी पढ़ी वो क्लास 6 से पढ़ी, और आई होप आपको ज्योग्राफी से मतलब जो भूगोल है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पता होगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं भूगोल। ठीक है, भूगोल नाम से ही स्पष्ट है, ज्योग्राफी का शब्द पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में नहीं, पहले के लोग ज्योग्राफी केवल रिलेट करते थे अर्थ से, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ को ही ज्योग्राफी माना जाता था पहले। लेकिन अब तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल हो चुका है, मतलब अन्य क्षेत्रों में भी ज्योग्राफी का यूज़ किया जाने लगा है। लेकिन पहले के जो लोग थे उन्होंने इसे जियो का अर्थ भी किससे जाता है, अर्थ से जाता है। ठीक है, तो अर्थ के अध्ययन को मतलब भूगोल, भू मतलब भूमि और गोल मतलब अर्थ, तो पहले के लोग अर्थ को क्या मानते थे, गोल मानते थे, तो उसके अध्ययन को ही क्या माना गया था, ज्योग्राफी माना गया था। लेकिन आजकल का ज़माना ये नहीं है, तो आइए पहले तो हम ज्योग्राफी की जो है वो हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं सभी चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखूंगा, आप नोट्स के बनाते टाइम अपने समझने के लिए जितना लिखना चाहेंगे उतना लिख सकते हैं, जितने नोट्स में जितने वर्ड्स में आपको समझ आता है कोई चीज़ उतना ही लिखें। ऐसा नहीं कि मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं तो आपके कॉपी में दो ही वर्ड हैं और आपको फिर बाद में समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब यहाँ पे हमने सोचा क्या था, लिखा क्या था। ठीक है, तो अपने जो थिंकिंग है उसे भी लिखें, क्योंकि बाद में जब हम एक दो महीने बाद जब रिविज़न करते हैं तो फिर चीज़ें याद नहीं रहती कि उस टाइम हमने क्या सोच के ये दो वर्ड्स लिखे थे। ठीक है, तो अभी तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, नहीं हिस्ट्री हम पढ़ने रहे हैं, हम ज्योग्राफी के इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास सबसे पहले इस वर्ड की जो ज्योग्राफिया है, ज्योग्राफिया वर्ड का यूज़ सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, इरेटोस्थनीज, अब इंग्लिश वाले जो हैं वो इसे समझ दें कि ये एक व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीज, इसने सबसे पहले ज्योग्राफिया वर्ड का यूज़ ज्योग्राफी वाले अपने एक बुक में ही किया था, और सबसे पहले इसने क्योंकि इस वर्ड का यूज़ किया, ठीक है, तो इसे ही भूगोल का पितामह के नाम से जाना जाने लगा, कि जो ज्योग्राफी का मतलब जो ज्योग्राफी का सबसे पहले जो यूज़ किया ये एक यूनान के विद्वान थे, और इरेटोस्थनीज जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफिया वर्ड का यूज़ किया। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि हमें अर्थ के अध्ययन को ही एक किसी भी चीज़ के अध्ययन को नया रूप इन्होंने प्रदान किया, कि पहले के लोग ज़्यादातर मैथमेटिक्स और साइंस वाले पोर्शन में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योग्राफी की ओर सभी का ध्यान आकर्षण किया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब धीरे धीरे और अन्य और भी वैज्ञानिक आए, जैसे टोलमी। ठीक है, टोलमी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ को सेंटर माना था, अर्थ को कहा था इन्होंने कि सेंटर में है और पूरी दुनिया क्या है, पूरे वर्ल्ड क्या है, इसके चारों ओर घूम रहा है, और यही जो चीज़ मानती थी जो चर्च के जो लोग थे वो भी यही चीज़ मानते थे, और टोलमी को अपना फादर मानते थे कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अर्थ क्या है, सेंटर है, और बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के चारों ओर मतलब अर्थ के चारों ओर घूम रही है। लेकिन सर्वप्रथम जो कोपरनिकस थे उन्होंने ये बताया था, जिन्होंने बिल्कुल सही बताया था कि कोपरनिकस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन को सेंटर बताया था,
और अर्थ को कहा था कि अर्थ उसके चारों रोटेट की थी। कोपरनिकस ने ये नहीं बताया था कि सन पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, उन्होंने ये बताया था कि सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और अर्थ उसके चारों रोटेट कर रही है। लेकिन ये बात वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ के लोग मानते थे कि अर्थ ही सेंटर है और वह एक फ्लैट सिस्टम मानते थे कि अर्थ एक फ्लैट है और यहाँ से सन आता है और यहाँ डूब जाता है, ठीक है। और इन्होंने पहली बार ऐसी बात कही तो इनको, क्योंकि इन्होंने ये बात 16वीं शताब्दी मतलब 1543 के आसपास कही थी, लेकिन 1565 के आते आते इनको वहाँ के लोगों ने, पादरियों ने फांसी की सज़ा दे दी थी। लेकिन बाद में जब प्रूव किए गए तो पता चला कि ये जो साइंटिस्ट था बिल्कुल सही था, ठीक है। उसके बाद जो थे एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम है, खगोल शास्त्री थे वो भी, उनका नाम था केपलर। केपलर जो थे उन्होंने सबसे पहले 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रह गति नियम दिए उन्होंने। तो इस प्रकार जो है वो ज्योग्राफी जो एक सब्जेक्ट बना वो इस प्रकार से इसका उतार चढ़ाव से बना रहा कि पहले लोग, अधिकतर लोग मतलब 400-500 साल से टोलमी को ही अपना सम्राट समझते थे, लेकिन जब कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि सन सेंटर के मतलब सन जो सेंटर है बाकी अर्थ घूम रही है, तो उस हिसाब से बाद में लोगों ने माना कि ये बात सही है, ठीक है। और अब क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो मतलब अर्थ के अध्ययन से रिलेटेड ना होकर बाह्य पिंडों के अध्ययन भी होने लगा, अर्थ के अंदर क्या है वो भी, उसका भी अध्ययन को ज्योग्राफी बोलने लगे, माउंटेन, रिवर्स और अन्य जो भी चीज़ें हैं, जो भी अर्थ के उसके मतलब अर्थ के चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उसके अध्ययन को भी ज्योग्राफी माने जाने लगा। तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले IAU की जो क्या बोलते हैं उसे 1919 में इसकी स्थापना की गई। IAU मतलब इंटरनेशनल, IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल, स्पेलिंग देखते लेना, मैं देखता नहीं हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय ये इसको क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का जो खगोलीय संघ का जो जिसकी स्थापना की गई 1919 में फ्रांस में की गई, ठीक है। तो ये इसका जो संघ, इसका जो वर्ड नहीं आ रहे आज, इसका जो गठन किया गया वो सबसे पहले इसलिए किया गया कि ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूगोल को क्या करें, बढ़ा चढ़ा के मतलब बढ़ावा दे सकें, ठीक है। और इस प्रकार जो है वो भूगोल का क्या हुआ, इस प्रकार मतलब भूगोल का निर्माण होता गया। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्टिन बेहम ने सबसे पहले जो था कि उन्होंने ग्लोब का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक ग्लोब के पितामह भी कहते हैं। तो ये ग्लोब का इन्होंने निर्माण किया था, मार्टिन बेहम ने, ठीक है। और मानचित्र का जो निर्माण किया था सबसे पहले, मानचित्र का निर्माण किया था अनेक्जीमेंडर। तो ये जो वैज्ञानिक थे, और जो वॉन हम्बोल्ट थे, उन्होंने आधुनिक भूगोल का पिता भी कहते हैं वॉन हम्बोल्ट इन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक भूगोल का पिता, ठीक है, आधुनिक भूगोल का पिता वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने भी अपनी बहुत सी चीज़ें थी जो भूगोल के बारे में बताई, इसलिए इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहा गया। तो इस प्रकार जो था वो हमारा ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट बना। और अब हम इसमें कुछ, इसका एक मैं डाइवर्स एक क्या बोलते हैं डेफिनेशन आपको ज्योग्राफी का बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से अन्य बुकों में अलग अलग मिल सकती है, जो मेरे को लगता है कि असल में ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी जो है वो है कि स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स नेबरहुड टेलेस्टियल बॉडीज विच
कैन इम्पैक्ट ऑन अस। ये मेरे हिसाब से एक डेफिनेशन हो सकती है कि ज्योग्राफी एक ऐसे चीज़ का अध्ययन है जो कि पृथ्वी का तो है ही, लेकिन इसके आसपास रहने वाले ऐसे आकाशीय पिंडों का भी अध्ययन है जिनका इम्पैक्ट हमारे पे पड़ सकता है। इसीलिए हम किसी चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं कि उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव। अगर किसी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है तो हम उसका अध्ययन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसका कर रहे हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी में जो सबसे पहले हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ब्रह्मांड के अध्ययन को, ठीक है। किसके अध्ययन को करेंगे हम, ब्रह्मांड के अध्ययन को। और ब्रह्मांड के अध्ययन को यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ ब्रह्मांड, ठीक है। अब हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा यूनिवर्स है वो है क्या, कहाँ से आया है और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एक तो पढ़ा होगा आपने कॉस्मोलॉजी और एक पढ़ा होगा एस्ट्रोनॉमी। अब आप बोलोगे कि दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो किसी ने सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पढ़ा होगा कि एस्ट्रोनॉमी होती है कुछ चीज़ें, और किसी ने सिर्फ कॉस्मोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन होता दोनों है, कॉस्मोलॉजी भी होती है और एस्ट्रोनॉमी होती है। तो कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉस्मोलॉजी। और इसको भी सेम ही बोलते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स, लेकिन इसमें बोलते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्सल टेलेस्टियल बॉडी। ये आकाशीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब कि अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, किस प्रकार से ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और किस प्रकार से डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जो है वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसके अध्ययन अगर हम करेंगे तो ब्रह्मांड के अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंदर जाएगा। लेकिन हम ब्रह्मांड में उपस्थित बॉडीज, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, पृथ्वी, चांद, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र ग्रह और अन्य आकाश गंगा हैं, उनके बॉडीज़ मतलब उनके जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनका अध्ययन करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा। अगर आपके क्वेश्चन में मतलब कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स किसे कहते हैं, तो वो कॉस्मोलॉजी है, और स्टडी ऑफ टेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमी में आता है। तो सबसे पहले हम किसके स्टार्ट करेंगे, कॉस्मोलॉजी के स्टार्ट करेंगे, फिर हम किस में जाएंगे, एस्ट्रोनॉमी। कॉस्मोलॉजी मतलब पहले हम बोन के बारे में देखेंगे कि हमारे जो ब्रह्मांड का जो उत्पन्न हुआ था, मतलब जन्म हुआ था, वो कैसे हुआ था। तो इससे रिलेटेड तीन थ्योरीज हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस थ्योरी तो आपको पता ही होगी, जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस थ्योरी के अनुसार यहाँ इसके जो प्रतिपादक थे वो थे जॉर्ज लेमेटियर। एक बार एनडी के क्वेश्चन में भी इसका आंसर, ये क्वेश्चन आया है कि बिग बैंग थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, जॉर्ज लेमेटियर थे, जो पादरी थे, कहाँ के, बेल्जियम के पादरी थे। ये इतनी डीप आपको रखना नहीं है याद, लेकिन सिर्फ आप ये समझ दें कि ये चर्च के एक फादर थे। इन्होंने ही ये चीज़ सोची थी कि सबसे पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक कुछ नहीं बल्कि एक स्मॉल सा एक पार्टिकल था, उसके बाद इसके अंदर हुई कुछ हलचल की वजह से, ठीक है, यह विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद आज ये 13 बिलियन अप्रोक्स साल के बाद इतना एक्सपेंड कर चुका है, ठीक है। तो इन्होंने बिग बैंग सबसे पहले थ्योरी दी थी, इन्होंने कहा था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो पहले एक स्मॉल पार्टिकल में समाया हुआ था, और उसके बाद ये इसमें कुछ आंतरिक घटनाएं हुई, और उसके बाद ये धीरे 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 फैलना शुरू हुआ, और आज ये फैलते फैलते 13 बिलियन साल पहले मतलब ये वाली घटना हुई थी, और आज ये फैलते फैलते बहुत बड़ा हो चुका है। और इन्होंने यही बताया था कि इसका विस्फोट इतनी अत्यधिक थी कि उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी क्या कर दिया, नकार कर दिया, और वो उसके जो पिंड थे वो चारों दिशाओं में क्या होने लगे, बढ़ने लगे, ठीक है। इसका आपने एक ऐसा सा डायग्राम देखा होगा, पुइया बाजा वाला डायग्राम है उसको बोलते हैं, ऐसा मतलब पहले यहाँ पे पार्टिकल था और धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ा, और आज के ज़माने में वो ऐसा एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी थी। दूसरी जो थ्योरी शायद आपने सुनी हो, उसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। ये
एक ऐसी थ्योरी थी जो कुछ टाइम के लिए रिलेवेंट रही, लेकिन इसने कभी भी यूनिवर्स के एक्सपेंड को नहीं बता पाए। बिग बैंग थ्योरी ने ये भी सॉल्व किया कि यूनिवर्स आखिरकार एक्सपेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि सबको पता है किसी चीज़ में विस्फोट होगा तो वो एक्सपेंड करेगा ही। तो इसने ये वाली चीज़ प्रूव की, जबकि ये वाली थ्योरी इसको प्रूव नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए इसको क्या किया इसको उतनी मान्यता नहीं मिली। और ये इसका जो प्रतिपादन किया उसका नाम था गोल्ड और बॉन्डी। गोल्ड और बॉन्डी एक ऐसे दो लोग थे जिन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी की। अब इसके अनुसार क्या था, इसके अनुसार हमारा जो यूनिवर्स है वो हमेशा से ऐसे ही है और अरबों साल तक भी वो ऐसे रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। स्टडी का मतलब ऐसी अवस्था जिसमें चेंज ना हो। जैसे अगर मैं इस कैमरे को ऐसे रख लूँ तो इसमें ना कभी पहले चेंज होगा ना कभी बाद में, अब इसमें कभी चेंज होने वाला है, ये हमेशा के लिए क्या रहेगा, पोज सा लगेगा हमें, लेकिन एक्चुअल में पोज तो नहीं है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर अवस्था में है ही नहीं इस यूनिवर्स में। जैसे आइंस्टीन ने भी कहा था, नथिंग इज़ इन स्टडी और नथिंग इज़ इन मोशन। वो हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ स्टडी रुकी हुई है या मोशन में है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि ये चीज़ पहले से ऐसी हैं और अभी भी ऐसी है, ना ही कुछ बना ना ही कुछ बिगड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत साबित हुए, क्योंकि हर एक सेकंड में 30 ब्लैक होल और 1500 से ज़्यादा जो है वो तारे बन रहे हैं, तो ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत थी, ठीक है। और तीसरी थी ऑसिलेटिंग थ्योरी, ठीक है, ऑसिलेटिंग थ्योरी। अब ये थ्योरी बोलती थी कि जो ब्रह्मांड है उसका ऑसिलेट की तरह है वो, मतलब पहले फूलता है फिर संकुचन होता है, फिर फूलता है फिर संकुचन होता है। अभी ये ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है, ठीक है, अब कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, अपने जो पहले का रूप था उसी में आ जाएगा। इसका भी मतलब ज़्यादा हमें प्रूफ नहीं मिला, ठीक है। तो ये तीसरा जो सिद्धांत था उस रिलेटेड, हमें मेन ध्यान रखना है बिग बैंग थ्योरी, और इसी को ही एक्चुअल में ब्रह्मांड के अभी तक ब्रह्मांड का क्या माना जाता है, क्या बोलते थे, एक्चुअल में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी वो इसी से मानी जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर। अब हम पार्टिकल के बारे में देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं। कॉस्मोलॉजी में हमने देख लिया, और इसमें हम ये भी बता दें कि इसमें जो सबसे तेज आज तक की नापी गई कोई चीज़ स्थित है स्पीड, वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसे सी बोलते हैं। लेकिन इससे भी तेज जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंड हो रहा है, मतलब लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल नहीं करती है, किसमें, वैक्यूम में, उससे तेज स्पीड से हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो भी एक रोचक विषय है जिसके बारे में रिसर्च करना अभी बाकी रह गया है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ठीक है। एक तो ये जो है ना फोकस बिल्कुल ख़राब जगह ले लेता है, ठीक है, लाइट थोड़ा कम करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी में मैंने कहा स्टडी ऑफ टेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स का ही नॉर्मल रूप से अध्ययन करने वाले हैं। स्टार्स के बाद हम करेंगे सोलर सिस्टम का, ठीक है, और सोलर सिस्टम में एक एक करके सभी प्लेनेट का हम वो रिसर्च करेंगे, मतलब अध्ययन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमें एक्चुअल में कितना नॉलेज हुआ है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाएगा, स्टार्स मतलब कि सबसे पहले स्टार कैसे बने। अब क्योंकि सभी चीज़ पूरे यूनिवर्स में स्टार से बनी है, ठीक है, कोई भी गैलेक्सी है, कोई भी पूरा यूनिवर्स जो हमारा है वो स्टार से ही बना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टार कैसे बने। तो स्टार बनने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, पूरे जो यूनिवर्स था उसमें गैस थी, ठीक है, जो गैस थी विरल अवस्था में थी, मतलब एक दूसरे से दूर थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्टेंस में आने के बाद, ग्रेविटेशन मतलब इनके पार्टिकलों के बीच में आने के बाद, ये क्या करने लगी, अपने आसपास अपने चीज़ों को क्या करने लगी, खींचने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, ये इतने पास पास आई कि ये एक विशाल काय बादल के कण लगने लगे, मतलब बादल लगने गए, इनको बोला गया नेबुला, ठीक है। इनके पास जो ग्रेविटेशन थी वो बढ़ने लगी, पहले तो ये दूर दूर थे, और उसके बाद क्या होने लगे, नज़दीक आने लगे, तो जिसका नाम क्या रख दिया गया, नेबुला रखा गया। और इसमें क्या आया गया, मतलब इसमें जो क्या था, इसमें ग्रेविटेशन थी, और ग्रेविटेशन की वजह से इनमें आपस में घर्षण हुआ, और घर्षण की वजह से इसमें ताप, जो तापमान है, जो टेम्परेचर है,
वो इंक्रीज़ हुआ और ग्रेविटेशन एक दूसरे को खींचा तो क्या बनना, दबाव, जो प्रेशर हुआ वो भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो जब प्रेशर और ये दोनों चीज़ इंक्रीज़ हुई तो ताप और दाब के बाद मतलब अत्यधिक चीज़ें उत्पन्न हुई, तो इसके बाद ही इसी को निहारिका भी बोलते हैं। ठीक है, निहारिका। ठीक है, इसके बाद जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो इसमें जो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन का मतलब दो चीज़ें होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन वो होता है जब दो पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं तो उसे संलयन कहते हैं, विखंडन उसे कहते हैं जब एक बड़ा पार्टिकल दो अलग अलग उसमें क्या होता है, टूटता है। तो इसमें नाभिकीय क्या होने लग गया, संलयन। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे होना लग गया नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन किसमें किसमें होने लगा, तो हाइड्रोजन के जो पार्टिकल थे वो मिलकर क्या बनाने लगे, हीलियम। और क्योंकि ये ऐसा करने लगे तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर में इंक्रीज़ हुआ, तो क्या बनने लगी, लाइट। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में जो हमारा स्टार है वो फॉर्म होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कि हमारा स्टार क्या हुआ, फॉर्म हुआ। कैसे में हुआ, सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा में गैस के पार्टिकल थे, धीरे धीरे उनमें मतलब ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्टेंस में आई, तो वो धीरे धीरे पास पास आए तो टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ करने लग गया, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ करने लग गया, तो वो इतने संघन होने लग गए। पहले तो नेबुला और निहारिका का फॉर्म लिया, उसके बाद इसमें हाइड्रोजन से क्या बनने लग गया, हीलियम। जब भी हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन होता है, कुछ एनर्जी या ऊर्जा निकलती है जो लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है, तो वही स्टार्स की क्या थी, एनर्जी थी। तो इस प्रकार हमें पता चला कि स्टार कैसे बनता है। लेकिन इसके बाद भी स्टार्स रुकता नहीं है, अभी तो खैर नॉर्मली स्टार जो हमारा सन है वो भी इसी वाले कंडीशन में है, लेकिन स्टार्स इसमें भी रुकते नहीं। स्टार क्या होता है, इसके बाद जब इसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर तो क्या होता है, हमेशा के लिए इंक्रीज़ करता रहता है, हाइड्रोजन से हीलियम हमेशा के लिए क्या होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन आपने कभी ना कभी एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हाइड्रोजन ही क्या होने लगता है, हीलियम से ख़त्म होने लगता है। तो जब हाइड्रोजन हीलियम ख़त्म होने लगता है तो स्टार क्या करता है, अपने कोर से जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है, मतलब इसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है, इसके बाहर भी हाइड्रोजन होता है, तो पहले तो हाइड्रोजन बाहर के हीलियम से कन्वर्ट करता रहता है जब तक उसके पास है। लेकिन जब इसके पास होता नहीं है तो ये अपने अंदर के हाइड्रोजन को हीलियम में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब इस प्रोसेस को, मतलब हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करने के लिए अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक प्रेशर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना अधिक होता है कि इसका जो ये कोर का ग्रेविटेशन फोर्स है वो इतना इंक्रीज़ कर जाता है कि इसका जो कोर है वो यहीं पे मतलब अपने आप को सिकुड़ने लगता है। ठीक है, और इसका ग्रेविटेशन क्षेत्र बहुत कम कर देता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक छोटे से जगह में मतलब लगने लगता है तो उसकी जो डेंसिटी है वो आसपास के क्षेत्र में कम हो जाती है। जैसे कि एक लेज़र लाइट जो होती है वो इतने वाले क्षेत्र को एकदम ब्राइट करता है, जबकि इधर वाले क्षेत्र में बिल्कुल भी क्या नहीं होती है, रोशनी नहीं होती। तो अगर हम किसी कम क्षेत्र में किसी ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करते हैं तो वो कम ही क्षेत्र में हो जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ, ये वाले पार्ट में तो इतनी ग्रेविटेशन इंक्रीज़ हुई कि ये चीज़ें क्या होने लगी, सिकुड़ने लगी। लेकिन बाहर वाला पार्ट क्या होने लगा, ग्रेविटेशन कम होने की वजह से अपने कोर से क्या होने लग गया, दूर होने लग गया। तो क्योंकि ये अपने कोर से दूर होने लग गया और धीरे धीरे क्योंकि इसमें ईंधन की भी कमी होने लगी, तो इसने जो है अपना आकार को बढ़ा दिया, क्योंकि ये चीज़ बाहर जाने लगी और ये चीज़ सिकुड़ने लगी। तो अंदर तो ये कोर बचा और बाहर की तरफ ये जो स्टार है वो बड़ा हुआ, और इस स्टार को ही हम बोलते हैं रेड जायंट। ठीक है, अभी खैर हमारा सूर्य इस वाले अवस्था में, इस अवस्था में आया नहीं है। जब सूर्य का ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो इस वाले फेज़ में आएगा, और माना जाता है जब सूर्य इस वाले फेज़ में आएगा तो हमारा जो अर्थ है वो भी इसमें ओवरलैप कर जाएगा। हमारा अर्थ का मतलब जो हमारे अर्थ का जो रोटेशन है वो सूर्य की ओर, सूर्य इतना एक्सपेंड करेगा कि हमारे अर्थ सूर्य के बाहरी हिस्से को टच करना शुरू करने लग जाएगी, जबकि कोर तो अपने जगह में रहेगा। तो इतना विशाल बन जाता है, तो इसे हम रेड जायंट या लाल दानव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीच में क्या हो गया, अब यहाँ की जो डेंसिटी है वो बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ की डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। लेकिन अभी भी क्या है, इस जो है सूर्य इस स्टार में अभी ईंधन है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये अंदर के ईंधन को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इसके बाद की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, देखिए
ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद डिसाइड करता है हमारे स्टार का, मतलब स्टार का क्या है, साइज कितना था। अगर हमारा स्टार का साइज सन या सन से छोटा है, नॉर्मली सन के एक होता है चंद्रशेखर सीमा, आपने कभी सुना होगा, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा, वो इसी के लिए डिफाइन की गई थी, चंद्रशेखर सीमा। अगर सन के मास से 1.4, ठीक है, अगर चंद्र सन के मास से 1.4 से अगर स्टार छोटा है, अगर यहाँ पे सन के मास के 1.4 से स्टार छोटा है, जैसे सन तो 1.4 से छोटा हो गई, तो हम पहले सन का प्रोसेस समझते हैं कि सन किस प्रोसेस से जाएगा। तो ये जो लाल दानव है, मतलब यहाँ पे अब इसका ईंधन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है, लाल दानव में क्या हो चुका है, ईंधन क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। और अब लाल दानव क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि अब इसमें ईंधन धीरे धीरे समाप्त होता है, तो ये चेंज होता है, मतलब इसका जो आकार रहता है वो लगभग इतना ही रहता है, और वो बनता है श्वेत वामन, ठीक है, श्वेत वामन। और यही श्वेत वामन बाद में ठंडा होकर क्या बन जाता है, काला वामन। और ये क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही घूमता रहता है, ब्लैक बन के, मतलब काला वामन बन जाता है और एकदम ब्लैक रहता है। अब ये कोई भी एनर्जी, मतलब कोई भी ऊर्जा, मतलब कोई भी प्रकाश नहीं फैला रहा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा है, सिर्फ जैसे सूर्य पहले था, अब हीट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक गोला की तरह रह गया है, ठीक है। तो ये हमारे सन का प्रोसेस है, या सन से 1.4 वाले छोटे वाले स्टार्स का। लेकिन अगर इससे बड़े हों, मतलब मोर देन सन मल्टीप्लाई 1.4 से बड़े जो स्टार हैं, तो उनके साथ क्या होता है, तो लाल दानव क्या होता है, फिर से एक नया तारा बनता है, जिसका नाम बोलते हैं हम अभिनव तारा, ठीक है। अब ये नया तारा बनाता है, क्यों, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसके पास ग्रेविटेशन इतनी अधिक है कि ये प्रेशर अभी भी इंक्रीज़ कर पा रहा है, और क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ कर पा रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। और ये अभिनव तारा इतना प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है कि इसका जो कोर होता है ना, यहाँ पे जो इसका जो कोर होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका जो कोर होता है, ये कोर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाने लगते हैं, न्यूट्रॉन बनाने लगते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से मिलकर क्या बनाने लगता है, न्यूट्रॉन बनते हैं। और इस अभिनवी तारा में होता है सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट। और सुपरनोवा जब विस्फोट होता है तो ये तारा जो है फटता है। अब ये तारा जो फटता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन के क्या बन रहे हैं, न्यूट्रॉन। अब इसके केंद्र में क्या है, मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं, इसके जो कोर में क्या है, न्यूट्रॉन है, इसलिए इस वाले तारों को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन तारे, न्यूट्रॉन तारे। अब कुछ तारे ऐसे होते हैं जो अभिनव, मतलब सुपरनोवा विस्फोट के बाद में, ये मतलब ये न्यूट्रॉन तारे नॉर्मली एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, ये इमिट करते हैं। और कुछ तारे विस्फोट के बाद इतनी तीव्र गति से रोटेट करने लग जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पल्सर, उन तारों को बोलते हैं पल्सर। ये सब नोट करते रहेंगे, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो भी तारे अभिनव तारा के विस्फोट के बाद रोटेट रोटेट रोटेट, मतलब घूमते रहते हैं, तो वो तारे कहलाते हैं पल्सर, ठीक है। और नॉर्मली जो तारे अपने अक्ष में स्टेबल रहते हैं उन्हें न्यूट्रॉन तारे ही कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे के ही एक प्रकार के होते हैं पल्सर। ऐसा नहीं समझना कि पल्सर तारों में इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बन रहा है, बन रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इनका स्पेशल एक ऐसा तरीका है कि ये क्या कर रहे हैं, बहुत तीव्र गति से इस यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन तारे। अब सूर्य से 1.4 और अगर 3.3, मतलब सन से 1.4 और 3 गुना मास के जो तारे हैं वो यहीं पे समा, मतलब यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि अगर न्यूट्रॉन तारे का हम एक चम्मच अगर हम मिट्टी उठाएं, एक चम्मच के लें मिट्टी उठाएं, तो अर्थ में ये 30 हाथियों के वजन के बराबर से ज़्यादा होता है, ठीक है। एक फैक्ट है कि अगर इस न्यूट्रॉन तारे का अगर आप एक चम्मच मिट्टी उठाते हैं तो उसका वजन लगभग कितने हाथियों के बराबर होगा, 30 हाथियों के। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी का खेल है, ठीक है। तो अगर सन से 1.4 मतलब सन से 1.5 गुना, ये 3 गुना बड़े स्टार हैं, इतने की रेंज में स्टार है, तो वो यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन अगर सन से 3 गुना से ज़्यादा, इससे भी बड़े स्टार होते हैं, सन से तो 1000 गुना, 1,00,000 गुना बड़े स्टार हैं, अगर इतने बड़े स्टार हैं तो वो बनते हैं इस यूनिवर्स के सबसे भयानक तारे, और उनका नाम होता है ब्लैक होल।
ठीक है। अब ये तारे जो होते हैं, यहाँ पे सभी तारों का अंत जो होता है वो ब्लैक होल में होता है, जो 3 गुना से क्या होते हैं, अत्यधिक। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है क्योंकि ये इतने बड़े हैं कि इनके पास गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि ये स्वयं के कोर को क्या करने लग जाते हैं, निगलने लग जाते हैं। अब ये एनर्जी एमिट तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन हीलियम चेंज करने के लिए बचा नहीं। अब ये क्या करते हैं कि इनके पास डेंसिटी इतनी इंक्रीज़ कर गई है कि ये इतना ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज़ कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को निगलना शुरू कर देते हैं और अपने मास को और इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं। और जो लाइट रेज़ हैं, इनकी डेंसिटी, इनका ग्रेविटेशन फोर्स इतना अधिक होता है कि ये लाइट रेज़ को भी जाने नहीं देते, ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी ब्लैक होल का निर्माण ऐसे में होता है कि पहले वो तारा रहता है, ठीक है। एक बार फिर समझ जाएँ कि पहले वो गैसों का समूह रहता है, गैस के समूह में ग्रेविटेशन आती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, वो नेबुला बनते हैं, उसके बाद और इंक्रीज करता है तो वो क्या बन जाते हैं, स्टार। हाँ, स्टार इनके बढ़ जाता है। स्टार जब एनर्जी ख़त्म करने लग जाता है वो रेड दानव बन जाता है, ठीक है। फिर रेड दानव से अगर वो 1.5 गुना के बराबर है तो वो ठंडा होकर श्वेत वामन और फिर काला वामन बन जाता है। लेकिन अगर वो बड़ा है तो वो नया तारा बनेगा, अभिनव तारा। इस तारा में विस्फोट होता है, इसलिए इस तारे को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक तारा और अत्यधिक प्रेशर, अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाने लगते हैं, क्योंकि इसके कोर में अब न्यूट्रॉन आने लग गया है। विस्फोट के बाद सिर्फ न्यूट्रॉन बच जाता है, मतलब इतना डेंसिटी होता है कि विस्फोट के बाद भी वो पार्टिकल बच जाते हैं। अब बच जाते हैं तो वो बन जाते हैं न्यूट्रॉन तारे। न्यूट्रॉन तारों का भी एक स्पेशल प्रकार होता है, जो घूमते रहते हैं उन तारों को हम बोलते हैं पल्सर। बाइक वाला पल्सर नहीं, घूमने वाले तारे, न्यूट्रॉन तारे, पल्सर। इन तारों से एक्स रेज, गामा रेज की किरणें निकलती रहती हैं। लेकिन जब कोई सन से 1.5 गुना और 3 गुना के बीच में रहता है तो वो यहीं पे रुक जाता है। लेकिन 3 गुने से बड़े लोग जो बहुत बड़ा पैसा लेके घूम रहे हैं, वो लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं और बहुत ही खतरनाक काम करते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं और आसपास के समाज के गरीब लोगों को खाने लग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को खाने लेकर और अमीर बनना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार जो ब्लैक होल होता है, ये इतना अमीर हो जाता है कि इनके पास रोल्स रॉयस खरीदने के भी पैसे आ जाते हैं। रोल्स रॉयस मतलब सन की स्पीड मतलब क्या बोलते हैं उसे, लाइट। तो ये लाइट को भी जाना नहीं देते और उसको भी खरीद लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं। और ब्लैक होल जो होते हैं बहुत ही खतरनाक बॉडी होती है, इनसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा जाता। और यहाँ पे माना जाता है कि टाइम जो है, टाइम डायलेशन एक्चुअल में ब्लैक होल के लिए ही डिफाइन किया गया था। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है, अब मैं इसे प्रूफ के लिए नहीं कह सकता कि ऐसा होता ही होगा, क्योंकि आज तक ब्लैक होल के पास कोई गया नहीं है। सभी जो चीज़ें हैं वो धारणाओं पर आधारित हैं, ठीक है। जैसे कि ये मूवी चल रही है वो काल्पनिक धारणाओं पर आधारित हैं, उसी प्रकार ये जो ब्लैक होल है उसके अंदर जो टाइम है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाता है, रुक जाता है। अगर मैं ब्लैक होल के अंदर जाला जाता हूँ और 1000 साल अर्थ के वहाँ पर रहता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी 1000 साल नहीं लगेंगे, और मैं जब अर्थ में आऊँगा तो मेरे सारे दोस्त मर चुके होंगे, लेकिन मेरी उम्र उस टाइम भी 19 साल 3 महीने और 5 दिन ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार से समझ में आया कि कुल मिला के इस प्रकार हमारे जो वो सन बना वो यहाँ पे बना। अभी हमारा सन कहाँ पे है बच्चों, हमारा सन यहाँ पे नहीं, यहाँ इस वाले स्टेज में है, ठीक है। अब ये 5 अरब साल बाद इस वाले स्टेज में पहुँचेगा और हमारे अर्थ को खा जाएगा दोस्तों, इसलिए इससे पहले कि ये हमको खा ले, दूसरे ग्रहों में शिफ्ट होना शुरू कर ले, उसके बाद ये क्या करेगा, श्वेत वामन में हो जाएगा और काला वामन हो जाएगा और हमें ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम सोचते हैं कि हमें यहाँ से उठ के प्रोक्सिमा सेंचुरी के लिए भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, बाकी सब मजाक था। तो इस प्रकार हमारा जो ये जो तारा था वो बना। अब इन तारों के समूह को अब हम कुछ और चीज़ें बनेंगे। तारों के ये अब सपोज ये तारे हैं, इन तारों के समूह को बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर। तारों के समूह के बच्चों कहते हैं क्लस्टर। और इन क्लस्टर के समूह को भी बोलते हैं हम आकाश गंगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने आसमान में आकाश गंगा, मतलब आकाश में गंगा के समान बहती हुई धाराएं देखी, तो उन्होंने कहा कि हमारी आकाश गंगा है। लेकिन एक्चुअल में वो आकाश गंगा नहीं थी, मतलब गंगा नहीं थी, वो एक थी गैलेक्सी, ठीक है। उसका नाम था मिल्की वे। अब मिल्क सुन के आपको उल्टी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो उसमें मेरी बिल्कुल गलत नहीं है, मिल्क डेरी मिल्क, ठीक है। तो मिल्की वे हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है दोस्तों, मिल्की वे।
तो सबसे पहले के लोगों ने इसे समझा कि एक गंगा है, इसलिए उसका नाम रखा आकाश में बहने वाली गंगा, आकाश गंगा। लेकिन एक्चुअल में ये थी गैलेक्सी, नॉट अ सैमसंग गैलेक्सी, लेकिन तारों के समूह को गैलेक्सी, ठीक है। और उस गैलेक्सी का हमने रखा मिल्की वे। मिल्की को बोलते हैं दुग्ध, मिल्की को बोलते हैं दुग्ध, वे को बोलते हैं मेखला। तो हिंदी में इसका नाम है दुग्ध मेखला, ठीक है। तो तारों के समूह को क्लस्टर, और उन्हीं तारे, जब बड़े बड़े तारे, बहुत सारे तारे मिल जाते हैं और एक ही घर में रहने लग जाती हैं, तो उन तारों को बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है। और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और हमारे सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है नियरेस्ट। अब ये जो चीज़ें मैं मजाक में बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में आ जाती हैं, और फिर आप कहोगे कि सर आप तो मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो इनको लिख दें कि नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा हिंदी में से बोलते दिए वहाँ यानी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो थी, इतने बड़े कचड़ पचड़ वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है दोस्तों, सारी गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर भी आपको समझ नहीं आता है, तो इसमें आपकी गलती है। लेकिन जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं और फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो घर में बादाम खाइए और अपनी बुद्धि को तेज़ करिए। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है बुद्धि तेज़ होने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमने कहाँ पे आपको अच्छे से समझाना था, ठीक है। तो तारों के बारे में आप समझ गए होंगे। और एक और चीज़ें, एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, आप भी बोलोगे कि सर कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 100 बिलियन स्टार बना के बनाते हैं गैलेक्सी। अब ये ऐसा नहीं बोलना कि किसने काउंट किए बच्चों, ये सब एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक धारणाओं में चल रही एक मूवी है, जिसे आप सिर्फ देखें, सुने और लिखें और पढ़ें और याद करें, ठीक है। तो 10 बिलियन स्टार मिलकर बनाती हैं गैलेक्सी, और 100 बिलियन गैलेक्सी मिलकर बनाती है हमारा यूनिवर्स। और माना जाता है कि हमारे जैसे एक ही यूनिवर्स नहीं, बल्कि करोड़ों यूनिवर्स हैं, जिनमें पैरेलल यूनिवर्स की घटनाएं और अलग अलग लॉज ऑफ नेचर हैं। लेकिन बच्चों, क्योंकि हम तो अपने स्टार को तो ढंग से देख पा नहीं रहे हैं, तो अन्य ग्रहों को क्या देख पाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्टार में रुक जाएं, क्योंकि हमने स्टार के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो बिग बॉस चाहते हैं कि अब हम हमारे स्टार सूर्य के बारे में जानें, ठीक है। तो सूर्य लिख देते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, सूर्य इसका नाम है स्टार, इसको प्यार से बोलते हैं दिवाकर, और इसका घर का नाम है रवि, और इसके दोस्त इसे चिढ़ा के बोलते हैं भास्कर, ठीक है। ये सभी हमारे सूर्य के नाम हैं। अब हमारा जो सूर्य है, उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 5 अरब साल पहले इसका जन्म हुआ था। और इसकी माँ कौन थी बच्चों, इसकी माँ का नाम आज तक हमें नहीं पता चला, क्योंकि भगवान सूर्य तो सूर्य हैं। और ये बना था बिग बैंग थ्योरी के बाद, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बिग बैंग थ्योरी के बाद ही बनेगा यार। तो सूर्य का जन्म क्या माना गया, 5 अरब साल पहले माना गया, और 5 अरब साल इसकी अभी उम्र बची है, ठीक है। तो चिंता नहीं करें, अभी तो इसकी उम्र बहुत ज़्यादा बची है, लेकिन यह जल्दी ही समाप्त होने वाला है। क्योंकि जब हम गैलेक्सीज़ के बारे में, स्टार्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ करोड़ों की दूरी हमारे लिए 3-4 प्रकाश वर्ष है, और हज़ारों करोड़ों साल हमारे लिए बहुत कम चीज़ें मायने रखती हैं। इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी डिस्टेंस को हम छोटा छोटा समझकर हंसी मजाक में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सूर्य के बारे में हम बता रहे थे कि सूर्य जो वो है, वो बहुत ख़तरनाक इंसान, सॉरी तारा है, क्योंकि ये तारा है। अब तारा है क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन को किस में बदल रहा है बच्चों, हीलियम में बदल रहा है, और इसके पास 70% हाइड्रोजन है, 26% क्या है, हीलियम है। अब आप बोलेंगे बच्चे, कई बच्चे जो समझदार बच्चे हैं वो ये बोलेंगे, सर इसमें तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, हीलियम में, हीलियम कम है। और आप कह रहे कि तो हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, तो आज तक इसने इतने सारे हाइड्रोजन को हीलियम में क्यों नहीं चेंज। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस रहती है, उपस्थित है, तो वो और कोई नहीं दोस्तों, उसका नाम है हाइड्रोजन। ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, और इसकी ये नाभिकीय संलयन की वजह से हमारा सूर्य जो है वो चमकता है, और अरबों किलोवाट की ऊर्जा हमें प्रदान करता है, जिसमें से हम मात्र 1% से भी कम की एनर्जी हम वहाँ से ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों जून की गर्मी में तो ये एनर्जी बहुत ख़तरनाक लगती है, लेकिन ठंडियों में ये एनर्जी हमें उतनी ज़्यादा नहीं लगती।
ठीक है, तो ठंड का गर्म होना भी हम आगे ज्योग्राफी वाले पार्ट में ही आपको बताएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि ये सूर्य है और सूर्य के बेटे सूर्य से मिलकर बनता है हमारा सौर परिवार, तो जैसे कि हमारा ये जो सूर्य है उसे मैं छोटा बना दे रहा हूँ और इसके चारों ओर जो हैं वो हमारे ग्रह हैं और ये अंडाकार अंडाकार क्या बोलते हैं, नहीं पाथ, अंडाकार पाथ में ये घूमते रहते हैं, ऐसा पहले के लोग साइंटिस्ट मानते थे। लेकिन अब इन्हें हमें नया नाम दिया दीर्घवृत्ताकार। तो अगर आपके कॉन्स्टेबल वाले पेपर में सवाल आए कि सूर्य के चारों ओर हमारे अर्थ, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र और शनि और अन्य ग्रह किस कक्षा में चक्र लगाते हैं, तो इसका उत्तर ना ही गोलाकार होगा, ना ही अंडाकार होगा, ना ही परवलयकार होगा और ना ही अति परवलयकार होगा और ना ही वृत्ताकार होगा। सिर्फ क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार, जिसे बोलते हैं एलिप्स, ठीक है। और इलिप्स के एक फोकस में है सन, क्योंकि इलिप्स के बाद दो फोकस होते हैं ना दोस्तों, यार ऐसा इलिप्स होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, ऐसा एक इलिप्स होता है जिसकी दो आंखें होती हैं, लेकिन इसका एक फोकस यहाँ पे होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है, लेकिन हमारा जो सन है वो इस फोकस में है। तो ये वाला कहाँ गया दोस्तों, यहाँ पे इसका दोस्त भाग गया दोस्तों, छोड़ कर। तो जबकि एक सच में एक इंटरेस्टिंग वाली एक क्या बोलते थे, इंटरेस्टिंग वाली एक विचारधारा की तरह एक थ्योरी थी, उसका नाम था कांट ने दी थी या किसी वैज्ञानिक ने दी थी, तो उसने पता है क्या कहा था कि हमारा सोलर सिस्टम ऐसे में बना था। मैं सिर्फ आपको अन्य जानकारी दे लेता हूँ, मेरे को साइंटिस्ट का नाम नहीं पता है लेकिन थ्योरी याद है। तो थ्योरी में उन्होंने कहा कि हमारा जो सन था वो हम अपनी जगह में स्थिर था, दूर से एक बहुत बड़ा सन आया, मतलब स्टार आया, और वो स्टार भयानक इतना ख़तरनाक था ना कि उसने सन के बिल्कुल पास से गुजरा वो, और क्योंकि सन के पास से गुजरा तो उसने सन के मास को खींच लिया अपनी तरफ, मतलब सन के चीज़ों को खींच लिया, लेकिन खींचा तो खींचा लेकिन इतना गद्दार निकला कि उसका अपने को अपने उनके साथ लेके नहीं गया और अपने आप भाग गया दोस्तों, क्योंकि वो भाग गया दोस्तों और ये जो मास है वो सन से दूर हो गया, और दूर हो गया तो सन के पास अब इतनी ग्रेविटेशन ना रह पाई कि वो इस मास को दोबारा ले ले, और ये वही मास था जो मास अर्थ, मार्स और वीनस और जुपिटर था, और ये मास ये जो था ये घूमने लग गया, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरी है जो आप शायद बीए ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसे द्वितारिका सिद्धांत भी कहते हैं, अब किसका था ये हमें भी नहीं मालूम। तो इस प्रकार भी हमारे पास जो सिद्धांत थे वो आए हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसके बच्चों, सूर्य के। तो सूर्य जो थे वो हमारा एक बहुत अच्छा प्यारा सा एक हमारा तारा है। अब सूर्य के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोस्तों ये जो सूर्य है वो बहुत ख़तरनाक है, इसका नाम लिख लेते हम सन, ये किसी की मुंडी नहीं दोस्तों, ये हमारा सन है, ठीक है। सन के भारी हिस्से ऐसा ऐसा दिखता है सन सर, ठीक है, बचपन में ऐसा सन बनाते थे। तो ये सन का जो भारी हिस्से है इसे बोलते हैं हम कोरोना, जो गो कोरोना वाला कोरोना था ना दोस्तों, वो ये सन का भारी हिस्सा था। अब ये सन का भारी हिस्सा कब दिखता है, जब सन के और हमारी ये जो अर्थ है इसके बीच में जब मून आता है, मून, तो क्योंकि ये मून जो है वो बहुत ख़तरनाक है, और ये जो मून है, मून ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे बैठे वाले व्यक्ति को ये मून दिखता है तो दिखेगा दोस्तों, वो तो आपको भी पता है, लेकिन उसको यहाँ से देखने पर सिर्फ ये वाला पार्ट और यहाँ से देखने पर सिर्फ ये वाला, मतलब बाहर का पार्ट दिखता है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा, लिख के देता हूँ, कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा वाला भाग इस तरह दिखाई देता है।